तो आप लोग कैसे हैं? तो आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर गाना लोड विकास। तो गाइस आज का दिन बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मतलब हर मतलब लड़की के लिए जैसे जैसे मतलब होता शादी के बाद हर एक दिन मतलब हर एक दिन नहीं मतलब शादी के बाद उसका साल भर में एक दिन आता बहुत ही अच्छा दिन आता, वैसे आज मेरा बहुत ही अच्छा दिन है। मतलब आज मेरा शादी का सालगिरह है। तो आज मेरा शादी का पूरा 4 साल पूरा हो चुका है। इस खुशी में गुड़िया मेरे को मिठाई खिला रही थी। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए खा लीजिएगा। तो ऐसे तो पार्टी वगैरह नहीं हो रहा क्योंकि एक बार भी नहीं की हूँ पार्टी वगैरह, इसलिए जैसे मनाती थी शुरू से वैसे ही मनाऊंगी। और घर में मम्मी पापा भी नहीं है, मम्मी पापा भी वैष्णो देवी गए हैं और अभी आज शाम में गाड़ी में भी बैठेंगे आने के लिए यहाँ। और अभी क्योंकि आज मेरे को वीडियो लेट से बनाना पड़ रहा, मेरे बाबू नहीं रह रही थी, अभी सोई है और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। और मेरा सारा काम हो चुका है और लाइट भी चले गया है, कपड़ा भी मतलब भी सुखाना है। तो अभी एक हाथ में मेहंदी लगाई हूँ, एक हाथ में लगाई भी नहीं हूँ, अभी लगाऊंगी। तो नाश्ता भी नहीं की हूँ गाइस, तो जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और शाम में मैं क्या पहनूंगी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। बट कौन कौन क्या क्या लाया है मेरे लिए वो भी दिखाऊंगी आप लोग को। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, तो फिर आगे मैं दिखाऊंगी आप लोग शाम तक का कहानी। ये गाइस तो शाम के मतलब 3 बज चुके हैं और अभी जल्दी जल्दी आई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी बनेगा जीरा राइस और आलू मटर पनीर का सब्जी। ये रहा पेप्सी, ओ माय गॉड फुल फुल यार। ये रहा चटनी, ये रहा फ्रेंच फ्राई का, ये वाला फ्रेंच फ्राई और ये वाला उबला हुआ मोमोज का। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं रोल, मोमोज, फ्रेंच फ्राई, पेप्सी, चटनी। अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए, खा के फिर अभी 6 बज गए हैं, फिर अभी दुकान से भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद रेडी होने जाऊंगी क्योंकि बाबू अभी सोई हुई है, सोची थी उसको भी रेडी करने के, बट उसके लिए कपड़ा निकाल के रखी थी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने पहना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, इसीलिए छोड़ दी। मैं सोची क्या कि छोड़ देती हूँ, रोने लगेगी इसलिए उसको नहीं पहनाई।
मैं तो ये पुराना वाला ही पहना भी हूँ, और नहीं तो यदि उड़ जाएगी तो उसके बाद मैं पहना लूंगी। तो चलते गाइस खा के देखती हूँ। गाइस आप लोग भी खाइएगा, लीजिए खा लीजिए। तो खा के देखती हूँ। ये चटनी तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही तीखा, मतलब झाल। तो अभी खा के रेडी भी होना है, केक भी लेके आ गया है, तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊंगी क्योंकि बाबू सोई हुई है, और छोटी भी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, तो छोटी भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस अगर ब्लॉग में बने रही है तो चलिए आपको शाम का भी दिखाऊंगी। हे गाइस, तो हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ केक काटने के लिए। और मतलब जो भैया लाए थे वो मैं तो पहनी नहीं हूँ, मम्मी लाई थी वो भी नहीं पहनी हूँ, और पापा भी दिए थे वो भी नहीं पहनी हूँ, और ये लिए थे तो मतलब गुड़िया के लिए लाए थे ना, उसका मतलब छोटा हो गया था इसलिए उसको मैं पैसा दे के वो दूसरा चीज़ ली, और मैं उसका ही मैं पहन ली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, अरे ऊपर से कोटी है, टी शर्ट है, क्या हुआ बेटा? और इसको मैं लेजी नहीं क्यों गाइस, क्योंकि ना क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए इसको रेडी नहीं क्यों, कपड़ा निकला हुआ है, निकाल के रखी थी कि रेडी करूँगी बट नहीं कर पाई गाइस क्योंकि बहुत रो रही थी गर्मी के कारण। तो गाइस चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। तो अभी ये लोग रेडी हो रहे हैं और अभी जाऊंगी केक काटने के लिए, केक काटूंगी, फिर गुड़िया भी रेडी हुई है, शॉर्ट्स बनाऊंगी। और अभी जी मतलब टाइम हो रहा है 7:30 होने वाला है, और बाबू को भी दूध पिलाऊंगी, इसको भूख लग गया होगा, बट अभी 6:30 पिलाई हूँ। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ, और अपने से मतलब रेडी हुई हूँ, और इसको मैं क्यों आईलाइनर वगैरह नहीं लगाई है, सिर्फ काजल ही लगा दी हूँ क्योंकि आईलाइनर नहीं लगाई आज। तो गाइस आप लोग बताइएगा मेरा कपड़ा भी कैसा लग रहा है, बट ये वाला कपड़ा बहुत दिन से मन था लेने का, अंदर में टॉप ऊपर से कोटी और नीचे मतलब पैजामा पटियाला टाइप का, वो तो मेरा मैंने आज पूरा भी हो गया है। तो चलते हैं गाइस, अभी जाऊंगी केक काटूंगी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। अभी इन्होंने भी रेडी होने के लिए गया है, वो भी रेडी हो जाएंगे तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी। लिया केक कटने की तैयारी, और काजल बाबू को दूध पिला रही है, कहाँ गई वो, रही उस कोने में पड़ी हुई मोटी, और एक ये बेसन गिरे जा रही है। नहीं, तो अब केक काटने की तैयारी हो रही है, तो मिलते हैं आपको केक काटने वक्त। और ये अपना टैटू चमका रहा है बिना फालतू में, काम धाम तो नहीं, टैटू चमका रहा है। तो देखिए क्या, तो ये रही काजल और पूछी दूध पी रही है वहाँ, और गाइस ये रहा हमारा केक। तो ये देखिए केक, क्या कर दिया पूरी मुछी, पहले इसको मैं धो लूं।
बाबू को देख लो। तो मैं जा रही हूँ अब केक खिलाने के लिए, इन लोगों को केक नहीं खिलाई हूँ तो चलते हैं। ए भगवान, इस बुकर को देखिए, केक खाने से पहले खाना खाए। अब कौन है बुकर? मेरी नूनू देखेगा। केक तो लीजिए। मेरा घूंघट दे दीजिए। आगे आगे घूंघट घूंघट। उतना कहाँ से दे दिए? लड़ा कौन सा, मैं कहाँ से जा रही हूँ। तो चलते हैं। बाबू को देखिएगा, केक खा तो लीजिए। सब भाग भाग के आ गए हैं। तो ये आ गई कपड़ा चेंज करने के लिए, सब कुछ खोल लिया। तो चलते हैं गाइस। अब बाबू यहाँ खेल रही है, अभी खेल रही है, खाना जो खा रहा तो देख रही है। तो गाइस अब चलते हैं, कपड़ा चेंज करूँगी क्योंकि सोची थी शॉर्ट्स बनाने के लिए, बस ज़्यादा नहीं बना पाई, दो एक बनाई हूँ क्योंकि टाइम हो गए हैं 8:10 और मेरे को अभी करना है बहुत सारा काम करना है। क्या कि अभी मेरे को दे रही हूँ बाबू को, देखिए 2 मिनट। सबसे पहले मेरे को अभी करना है बाबू के लिए दूध के लिए पानी गर्म करना है, अभी दूध का बोतल धोना है, रोकी को खाना देना है, करी को उसको खाना देना है, मतलब सबको खाना देना है। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा है और मैं कैसे सजी हूँ, सही सजी हूँ कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मेरा चूड़ी। तो दे रही हूँ, तो चलते गाइस, मिलती हूँ थोड़ा देर बाद। हे गाइस, तो आज का यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में।